पिन पॉइंट नहीं कर सक रही, लेकिन बदल गया। किस तरह से बदल गया? अच्छा लगता है कि उसे मेरे ठीक होने की कुछ खास खुशी नहीं हुई। नताशा, तुम बस सिर्फ दावत का एहतमाम करो किसी भी तरह से, उसके बाद पैसा खुद ब खुद ही वापस आ जाएगा। जैसे कोई लड़का लड़की पास खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। और एक शख्स जो कभी कभी मुझे शर्जील अंकल लगते हैं। शर्जील? बस सना, सांस तो लो। क्या हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता मामी, मामी ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी अभी। क्या हुआ है बेटा? मामी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं नहीं, बोलो ना। वो मामी, मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कल से मुझे मतली हो रही है मुसलसल। रात को दो तीन उल्टियां भी नहीं थी, सुबह से भी। बस बस मुझे लग रहा है। सना, अब मैं क्या करूंगी? सबको मैं किसी ना किसी तरह मना ही लेती ना कि मुझे छोड़ दे, और अब वो मान भी जाता, आखिर कब तक लड़ता? लेकिन अब तो सना, अम्मी अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों अभी क्यों? मैं चली जाती, उसके बाद जो भी होता ना ठीक था। सना चुप, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम वाकई मां बनने वाली हो तो ये तो खुशी की बात है। खुशी? कैसी खुशी मम्मी? खुशी की बात है बेटा, हालात जैसे भी हो ये तो अल्लाह की मर्जी है, ये तो उसकी नेमत है, इसको बुरा नहीं समझा जाता है। मम्मी, मैं समझ रही हूँ बेटा कि तुम क्या फील कर रहे हो, सब समझ रहे हो, मगर फिर भी मुझे मुझे ये बच्चा हमेशा के लिए आप ही से दूर कर देगा, और आप ही की तो जिंदगी ही खत्म कर देगा। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा मम्मी, मम्मी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और क्या नजर आता है? थोड़े याद करो। और तो कुछ भी नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता। बस एक फीलिंग सी उभरती है जब भी इमेजेस देखती हूँ। इट्स लाइक जैसे एक धुंधली सी तस्वीर हो और उसके साथ एक एहसास जागता है। मैं आपको सही तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ व्हाट आई गो थ्रू, बट यही है, मैं किसी की शक्ल नहीं पहचान पाती, कौन है वो, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्पेशली वो लड़का लड़की, मुझे पता ही नहीं वो कौन है, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाती। शर्जील, उससे साफ देखा तुमने? बहुत दफा,
शुरू शुरू में नहीं, लेकिन फिर एक रात नींद में और उठने के बाद भी। डॉक्टर को बताया तुमने? हाँ बताया उन्हें, वो कहते हैं जरूरी नहीं है मेरे ख्वाबों, हो सकता है मेरा ख्याल, इमेजिनेशन या यादें, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बताया है कि सोचना नहीं है ज्यादा, या तो ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। आई थिंक इट्स जस्ट इन माई सबकॉन्शियस। ठीक कह रही है डॉक्टर, नथिंग टू वरी अबाउट। इस स्टेट में इतनी देर से तुम रही हो, कुछ टाइम तो लगेगा रिकवरी में। हाँ तहसीन, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी होती है, एज इफ ये विजन्स मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सो डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग। जब शर्जील को देखती हूँ तो क्या महसूस करती हूँ? नाउ दिस इज सो हार्ड टू एक्सप्लेन। अच्छी फीलिंग नहीं होती है, जैसे वो है ना उससे बिल्कुल फर्क, नेगेटिव सी फीलिंग आती है जब भी उनका कोई विजन आता है। वो क्या कर रहा होता? नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। एक तो वो मुझे मेरे बहुत करीब महसूस होते हैं, बिल्कुल पास, जैसे कुछ कह रहे हैं और बहुत सख्ती से कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। बट इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। क्या कहता है? नहीं सुन पाती, बहुत ट्राई करती हूँ पर नहीं समझ आता कुछ। अच्छा इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, ओके नो स्ट्रेस। आई एम सॉरी मैंने तुमसे इतने सारे सवाल पूछे, ये खुद ब खुद सब ठीक हो जाए। ओके सना, बेटा तुम ठीक हो? जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना है, ठीक है? मैं ज़ेबा के पास थी, वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उसे बता दी तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तुम शाम को डॉक्टर के पास जाओ और इस बात को कंफर्म कर लो, फिर आगे का सोचेंगे क्या करना है। आमीन, आप चलेंगे मेरे साथ? अगर सिचुएशन ठीक हुई तो ज़रूर जाऊँगी बेटा तुम्हारे साथ। असद भी वापस आने वाला होगा, उसने आप ही को आज का कहा था, कल रात मेरी बात हुई थी, मुझे भी उसने कहा था कि वो आज वापस आ जाएगा। उसे रोको सना, बेहतर है कि ये बात उससे अकेले में उसके घर में की जाए, यहाँ ठीक नहीं होगा। सना तुम नीचे ज़ेबा के पास चली जाओ, अपनी शक्ल दिखा दो वरना तुम्हारे पीछे ऊपर आ जाएगी। मैं असद को फ़ोन करती हूँ, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, तुम जाओ ठीक है? गुड, उम्मीद है कि इस दावत में ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन दावत के लिए पैसे चाहिए, दो तो मैं आगे बढ़ूं। कितने? तुम्हारे पास नहीं है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, 1-1.5 लाख तो दो। 1-1.5 लाख? नताशा कुछ कम में मैनेज कर दो, ये खाने की दावत है, कोई शादी और ब्याह की तकरीब नहीं है। शादी ब्याह की तकरीब? 1-1.5 लाख रुपए में? तुम्हारे दौर में भी ना शादी ब्याह 1-1.5 लाख में नहीं होता था, तुमने क्या कर ली थी 1-1.5 लाख में? ठीक है, हम जितना भी बंदोबस्त कर पाए तुम्हें दे देंगे। शर्जील ये तो ठीक है, ये तो मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे इसके अलावा 10 लाख की अशद जरूरत है। इसके अलावा नताशा, हमारे सारे हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, पर तुम्हें इतने पैसों की अभी क्या जरूरत पड़ गई? बस मुझे चाहिए। इस वक्त नहीं है हमारे पास, और तुम ये बात अच्छी तरह जानो। असद तुम आ भी गए? हाँ। क्यों? क्या मतलब क्यों, ये कैसा सवाल है? तुम्हें कहा था कि मैं आ जाऊंगा, ज़ेबा को भी आज ही का कहा है। भाई क्या हो गया, इज एवरीथिंग ऑल राइट? योर बैग? हाँ। सामान कहाँ है?
वो गौरी ला रहे हैं गाड़ी से। तुमने फोन क्यों नहीं ऑन किया था? मैं तुम्हें तब से कॉल कर रही हूँ। याद ही नहीं रहा, आई वाज जस्ट बल्कि मौका भी नहीं मिला। मैं पहुंचा तो गौरी सामने खड़ा था। चलो कोई बात नहीं। बाहर जाने? वाकई आप मुझे बाहर जाने दोगी? मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगी। अच्छा चलें। अभी नहीं, बैठो बैठो। अगर मैं तुम्हें रात को ऑफिस ले जाऊं, तुम वहां से कुछ पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का बंदोबस्त कर सकते हो? फिर से? नहीं नहीं, मैं ऐसा काम अब नहीं करूंगा। तो ठीक है फिर, पड़े रहो यहाँ पे। अरे एक मिनट नताशा जी, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर पकड़ा गया तो? अब और क्या तुमने पकड़े जाने? अच्छा, इतना आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने पासवर्ड ना बदला हो तो मैं उस फाइल में घुस के आपके नाम के एक पेमेंट ड्यू सिस्टम में डाल दूंगा, लेकिन चेक और पे ऑर्डर लेने के लिए अकाउंटेंट के पास आपको खुद जाना होगा। मैं कैसे दे सकता? तुम जो कर सकते हो वो करो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगी। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्यों? यहाँ से भागने के लिए। और मैं? तुम्हारा भी बंदोबस्त करती हूँ। रात को तैयार रहना, ऑफिस बंद होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, और फिर तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। सच? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, रात को मुलाकात होती है। मैं आपका इंतजार करूंगा नताशा जी। मैं यहां बैठ सकती हूँ? पूछ क्यों रही हो, बैठो। पूछ इसलिए रही थी क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ तो मुझसे दूर हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है जेबा। बहुत बुरा लगता है सब, दुख होता है। जेबा प्लीज, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यकीन जानो ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें ऐसा लगता है मैं पहले जैसी नहीं रही, जैसे पागल होने से पहले थी? तुम पागल नहीं हो जेबा, ना कभी थी। तुम बस बीमार थी, शौक में थी, अपने होश में नहीं थी और बस। तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो जेबा क्यों नहीं हूं जिससे तुम्हें प्यार हुआ था? तुम अब भी वही जेबा हो, बिल्कुल वही। तो फिर तुम वो असद क्यों नहीं रहे? I'm sorry, जेबा, मैं जानबूझकर तुमसे दूर कभी नहीं गया, कभी भी नहीं। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो फिर कोई तो बात होगी। शायद हालात की वजह से मैं दूर हो गया हूं, सबसे दूर, अपने आप से भी। I'm sorry again। पता नहीं कहां फंस के रह गया हूं मैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे गिला नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से आई हूं। बस जेबा, मैं समझ रही हूं। मैं इनसे पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें कभी ऐसा ना लगे, कोई दुख ना पहुंचे। चलो आज हम दोनों बाहर चले,
वहीं जहां हम हमेशा जाया करते थे, जहां तुमने मुझे अपनी शादी की शर्त दी थी, याद है तुम्हें? चले फिर आज जेबा, मुझे माफ कर देना यार। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम इतना दुख पहुंचेगा। प्लीज अब तुम भी भूल जाओ कि मैंने ये बात की भी थी तुमसे। जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, अब तुम मां हो। मां, बस ये याद रखना, मैंने फैसला कर लिया था कि आज जेबा को सब कुछ बता दूं। अब मैं उसे ये भी बताऊंगा। आंटी, मैंने फैसला कर लिया, आज मैं जेबा को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ साफ साफ। मैं बाहर उसे खाने पे ले जाऊंगा और वहीं बात करूंगा। कोई झूठ नहीं, कोई कहानी नहीं, सब कुछ जैसे हुआ और जिस वजह से हुआ, सब कुछ बस। जेबा इसके बाद जो भी फैसला करती है कर ले, मैं अभी बोझ और नहीं उठा सकता। आंटी, ये झूठ, ये तमाशा, ये रोज के बहाने, और जेबा को जानना हक है उसका, फैसला करना भी उसका हक है, इसलिए शायद मैं उस पर सब कुछ डाल रहा हूं। मैं अभी ये बोझ उठा भी नहीं पा रहा आंटी, मेरी बर्दाश्त जवाब देगी, शायद मेरी समझ भी। असद, थोड़ा रुक जाओ प्लीज। नहीं आंटी, मैं बाहर नहीं रुक सकता, और मुझसे भी ज्यादा अब जेबा नहीं रुक सकती। वो बहुत परेशान है आंटी, उसको मेरे रवैये से, मेरे दूर भागने से बहुत तकलीफ पहुंच रही है। शी इज हर्टिंग, मुझसे उसका हाल देखा नहीं जा रहा। आज जिसने मुझसे बात की उसके बाद मैं उसे और धोखा नहीं दे सकता। असद, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, पूरी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज आज नहीं, थोड़ा रुक जाओ। नहीं आंटी, और रुको तो क्यों, मेरे रुकने से क्या बदल जाए? मैं मर क्यों नहीं गई? सारी गलती मेरी है, तुमने तो कितना मना किया था ना कि मेरी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ही जिद कर रही थी। मुझे लगा
शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी कितनी ना समझती ना, लोग ठीक कहते थे मेरे बारे में, आज मेरी इज्जत की वजह से हम सब, काश काश अदनान के साथ मैं भी मर जाती उसी दिन। सना कैसी बातें कर रही, दोबारा ऐसी कोई बात ना करना, समझ में आई? जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, अब तुम मां हो, मां बस यही याद रखना। मैं देखता हूं क्या करना है, सब देख लूंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि आज ज़ेबा को सब कुछ बता दूं। अब मैं उसे ये भी बताऊंगा। नहीं सर, नहीं प्लीज, आप ही ये नहीं सुन सकेंगी। और तुमने मुझसे वादा किया था ना, हाँ, कि तुम आप ही के पास वापस चले जाओगे और उन्हें हमारे बारे में कभी कुछ भी नहीं बताओगे, बोलो वादा किया था ना? सना मैंने वादा नहीं किया था, मैं सिर्फ तुम्हारे इसरार पर हाँ कहा था और कुछ नहीं। बस सना मैं अभी और नहीं होने दूंगा। सर प्लीज प्लीज नहीं। सना तुम क्या कह रही हो, और वो भी अब? मैं शायद अपनी मोहब्बत में तुम्हें शायद कुर्बान कर लेता ज़ेबा के लिए, लेकिन अपने बच्चे को और उसकी मां को मैं कैसे कुर्बान कर सकता हूं? कभी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तुम बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। अच्छा एक दो दिन बस और रुक जाओ, मुझे भी तो आज ही पता चला है ना, थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दो प्लीज, एक दो दिन बस और। प्लीज सना मुझे और मत रोको, खत्म कर लेने तो ये ड्रामा जो हमारी जिंदगी बन चुका है। हमारे बच्चे के लिए हेलो नताशा जी, हाँ दरवाजा तो खुला है, यहाँ कोई है भी नहीं। मैं आपको अपने सिस्टम पे जाके फोन करता हूँ। ओके नताशा जी, वही हुआ जिसका डर था। असद साहब ने सारे पासवर्ड चेंज कर दिए, मैं तो अपने फाइल्स में भी नहीं घुस पा रहा। अब कुछ नहीं हो सकता, बड़ा मसला पड़ गया। आप नीचे ही है ना, मैं आ रहा हूँ। ज़ेबा उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी, उसको क्या पता कि उसको
किसी ने क्या कहा है। उसने कह दिया कि हमने उसको कुछ कहा है तो ये तुमने मान लिया, और हम जो कह रहे हैं कि हमने उसको कुछ नहीं कहा, इस बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? तहसीन, हम तब भी होशो हवास में थे और तुम अब भी होशो हवास में हो। और भी बातें हैं सर जी। असद, हे, तुम तैयार हो गई? लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू। तुमने क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। आई मीन आई होप प्रॉब्लम तो नहीं होगी, थोड़ी देर लग जाए तो। नहीं भाई, प्रॉब्लम किस में क्या बात है? वैसे भी थोड़ा टाइम अभी मैं फरा के साथ गुजारूंगी। तुम्हें पता है मेरे साथ कितनी ठीक हो गई है, बोलती भी है, पर बोलती तो वो बहुत ही ज्यादा है। कहीं बड़ी होकर सना जैसी तो नहीं हो जाएगी? वैसे मुमकिन भी है, शी इज क्वाइट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सना। ओह माय गॉड, तो सना। वैसे अगर सना जैसी हो गई ना, I'll be so lucky. क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा है बहुत शदीद। ठहरो, मैं दवाई लाती हूँ। मैं ले चुका हूँ, दो गोलियां खाई अभी अभी मैंने। अच्छा, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अगर नहीं ठीक होगी ना तो इमरजेंसी में जाके दिखा लें। अरे नहीं नहीं, जस्ट अ हेडेक, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये डिनर भी कैंसिल करो। अच्छा नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं हम कर रहे, जरूर जाएंगे। Are you mad? तुम्हारे सर में इतना दर्द हो रहा है, हम फिर चले जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे यार, it's all right. तुम थोड़ी देर जाओ, फरा के साथ खेलो, इतनी देर में ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, तुमने कहाँ जाना है, बस ये बताओ। मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे तो कबाब रोल जाके खिला दो। मैं इतने अरसे में कहीं और तो गई नहीं सोए पागल खाने के। सेवा। अच्छा तुम नाप लो, आप मैं गरम गरम कॉफी लेकर तुम्हें उठाती हूँ। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो और हम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे, तुम कब आई हमें पता ही नहीं लगा। अब अजनबी लड़कियों के फोन भी आने लगे हैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? नताशा, क्यों इतने फिसाद खड़े करती हो तुम पे दर पे? वैसे ही बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं। मैं खुद से कुछ थोड़ा ही कह रही हूँ, तुम्हारा फोन बज रहा था, मैंने उठा लिया। कोई लड़की थी जिसे मैं नहीं जानती, यही तो बता रही हूँ तुम्हें। बड़ी चुभन है तुम्हारे लहजे में आज। नताशा, हालात कितने ही कठिन हो जाएं, लेकिन हमें यकजा ही रहना है भाई। बहुत सी चीजों में यकसा के हिस्सेदार हैं हम, सिर्फ एक रिश्ते में नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो शर्जील? तुम्हारी जिंदगी का मैं छोटा सा हिस्सा तो हूँ, लेकिन हिस्सेदार नहीं। अलबत्ता तुम्हारी काली करतूतों में मैं जरूर तुम्हारी पार्टनर हूँ। नताशा, कब तुम्हारा दिल हमसे इतना कड़वा हो गया, और तुम्हारी मोहब्बत की मिठास में हम ये कड़वाहट महसूस ही नहीं कर, लेकिन अब हो रही है। खैर, किसका फोन आया था, नाम बताया मोहतरमा ने? कोई मिंजा थी, डॉक्टर मिंजा। कॉल बैक करके देख लो। मिंजा,
और तुमने उसको हमारी पुरस्रार महबूबा बना डाला। अरे भाई, दूर की रिश्तेदार लगती है हमारी, शायद भतीजी होती है। अब रिश्तों के जोड़ तोड़ में हम जरा कमजोर। तुम खुद सुन लो। हाँ बेटा, शर्जील बोल रहे हैं। भाई, हमारी नौजवान डॉक्टरनी ने हमें कॉल की थी। हाँ अंकल, आपको एक खुशखबरी देनी थी। सना माँ बनने वाली है और आप नाना। क्या कहा बेटा, जरा जरा फिर से कहना। सना माँ बनने वाली है और आप नाना। पक्का? हाँ बिल्कुल। जेबा की तो एक बेटी है ना पहले से। हाँ हाँ बेटा, एक बड़ी प्यारी सी बेटी है उसकी, परा। आपसे बातें करने में इतना मजा आ रहा है ना, तब भूल जाती हूँ। पीछे थिएटर में है, जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। बहुत बहुत मुबारक हो। सना इज सच अ स्वीट गर्ल। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, खुदा हाफिज और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सदा खुश रहो, सदा जीती रहो। अब क्या होगा? अब सब कुछ खुद ब खुद होगा। जेबा कहाँ है सना? वो गई हुई है फरा के साथ। अच्छा, आप ही की और फरा की दोस्ती हो गई है ना? अब फरा डरती नहीं है उनसे। सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत जल्द वो मान लेगी कि आप ही उसकी असल माँ है। हाँ बेटा, ये एक ना एक दिन तो उसे मानना पड़ेगा। ये रिश्ता ही ऐसा है। बस यही सही वक्त था केविन सबकी जिंदगी से हट जाती। नहीं बेटा, ये सोचना छोड़ दो। अब ये नहीं हो सकता है। जेबा को अब सब कुछ बताना पड़ेगा साफ साफ, फिर देखते हैं कि वो क्या फैसला करती है। बल्कि सिर्फ वही नहीं, हम सब क्या फैसला करते हैं। बात सिर्फ अब जेबा की नहीं है, तुम्हारे और असद की खुशियां भी उतनी जरूरी है जितनी जेबा की है। मामी, कल मैं उससे खुद बात करूंगी, असद से पहले। आज ही कर लेती, लेकिन मुझे आज एक और बहुत जरूरी बात करनी है। आप ही से? जेबा से नहीं, किसी और से। क्या बात करनी है मम्मी, किससे?
शर्जील से। तहसीन, मेरे सवाल का जवाब दो शर्जील। ये किस किस्म का सवाल है तुम्हारा तहसीन? जेबा उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी, उसको क्या पता कि उसको किसी ने क्या कहा है। उसने कह दिया कि हमने उसको कुछ कहा है तो ये तुमने मान लिया, और हम जो कह रहे हैं कि हमने उसको कुछ नहीं कहा, इस बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? तहसीन, हम तब भी होशो हवास में थे और तुम अब भी होशो हवास में हो। और भी बातें हैं शर्जी। कौन सी? शहजाद वाली, नताशा वाली और हमारी। हमारी? मैं रात को तुम्हारे घर आती हूँ, तब बात करेंगे। रात को क्यों, अभी क्यों? क्योंकि कुछ बातें दफ्तर में नहीं की जाती, रात में करेंगे। अच्छा, ओ सना बेटी कैसी? सना? सना ठीक है। बड़ी फिकर रहती है तहसीन हमें उसकी। रात को मिलते हैं। सी यू। रिश्ता है क्या?